स्टार्ट वोटिंग। ओ भाई 50-50 चल रहा है अभी पोल हमारा। ओ भाई स्टीव पिछली बार अपने मेन से नहीं खेले थे, अब की बार अपने मेन से खेलते हुए यहाँ पर। गुड नाइट, इनकी रैंक है टेकन किंग, और यहाँ पे दिनेश भाई जिनकी रैंक है राय जिन। बढ़िया ब्लॉक डूम, पिछली बार का जो है हिसाब किताब बराबर करने आए हैं यहाँ पे। गुड नाइट आई मीन टू से नाइट विंग, पिछली बार जो है बुरी हार का सामना करना पड़ा था पर वो रायना से खेल रहे थे, और अब की बार स्टीव है। ओहो कनेक्ट हो गया, रेज में है स्टीव यहाँ पे। और डैम पहला राउंड स्टीव को मिलते हुए। जरा पोल्स का हाल देख लेते हैं तो 67% पीपल बिलीव दैट दिस F5 is going to be in the favor of Dinesh King. Oh, one plus two throw break नहीं करा पाए यहाँ पे Dinesh King, और यहाँ पे good night का जो कहर है, night wing का जो कहर है वो बरस रहा है। दो राउंड में हवा नहीं लगी कि उधर क्या चल रहा है। कमिट कर देना चाहिए था उस मिड वाले लॉन्चर के लिए Dinesh King को, लेकिन कमिट नहीं किया उन्होंने। ओ भाई साहब बैक वन वन वन, एक और एक और एक और। ओ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है ये गेम, 1-0 हो गया इन द फेवर ऑफ नाइट विंग। दैट वॉज स्टनिंग। चलो यहाँ पे राउंड निकालने में कामयाब रहे। प्लस फ्रेम्स मिड्स बैक वन, भाई बैक वन टेकन फाइव से ही एक जबरदस्त मूव है स्टीव का जो आज तक है। किंग से तो वो पावर छीन ली गई है, अब किंग पार्शियली इनेबल्ड है बैक वन से, और यहाँ पे तुरंत वो राउंड वापस लेते हुए नाइट विंग। नाइट विंग इन फुल फॉर्म, पर यहाँ पे काउंटर हिट में वो लो पड़ा और यहाँ पे शीशा तोड़ दिया यार, दिल की तरह शीशा तोड़ दिया। क्या बालकनी भी टूट जाएगी? जी हाँ बालकनी भी तोड़ दी, बहुत ही ज़्यादा खर्चा करवा रहे हैं यहाँ पे, इतना तोड़ फोड़ मचा दिया भाई। वो ग्राउंड हिटिंग लॉन्चर है भाई, क्या मूव है। आई थिंक इट इज़ Fairly punishable and what's for the mix-up? Step करते हुए यहाँ पे दिनेश भाई स्ट्रिंग को रोका बीच में, बढ़िया डक, 1+2 पनिश नहीं कर पाए, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ब्लॉक। डैम दैट वॉज अ क्लच ब्लॉक बाई नाइट विंग। ऑफ केक इतना ज्यादा लो नहीं मार सकते क्लॉडियो को, हॉप किक आ ही जाती है, ये कैरेक्टर के चरित्र में है हॉप किक। बढ़िया ब्रेक, प्लस फ्रेम्स में माइनस फ्रेम्स, स्टार बस, और ये ग्राउंड हिटिंग लॉन्चर। अगर जगल अच्छी मारेंगे तो क्या ये राउंड खत्म? नहीं, जगल अच्छी मारी नहीं एक्चुअली, और एनीवे राउंड खत्म, और यहाँ पे मैच वापस लेने की कगार पे पहुंच गए हैं दिनेश किंग। गाइस पोल इज ऑन, ये F5 क्या दिनेश भाई जीत पाएंगे? अगर मैं बता दूं हिस्ट्री की बात करें तो पिछली बार जो उनके बीच में FT हुआ था वो दिनेश भाई ने जो है जीत लिया था, स्कोर आई थिंक 5-3 या 5-2 था, पर वहाँ पे रायना से खेले थे नाइट विंग, और यहाँ पे पहली बार अपने मेन स्टीव से खेलते हुए नाइट विंग 1-0 का स्कोर लीड कर रहे हैं, और दिनेश भाई यहाँ पे स्कोर बराबर करने के कगार पे थे, पर यहाँ पर एक बड़ा कमबैक करते हुए नाइट विंग रेज में है। एनीथिंग कैन हैपन बट लाइक इट इज क्लॉडियो, द स्कोर इज 1-1 एंड दिस इज गोइंग नेक टू नेक। क्या बोलती है पब्लिक, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा ये FT5?
नाइस पनिश, नाइस पेशेंस भाई, स्टीव के अगेंस्ट पेशेंस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कहीं ना कहीं अगर टूट जाएगा तो इस तरह के हालात क्रिएट हो जाएंगे। डैम टैप करके फिर मिड, अब की बार डक नहीं किए, एनीथिंग कैन हैपन। ओके, और यहाँ पे हीट बस यूज करते हुए, ओ भाई वॉल ब्रेक देता है सही में ब्रोकन। यहाँ पे रेजार्ड मार देंगे तो हेल्थ लगभग बराबर ही हो जाएगी। मार रहे हैं क्या रेजार्ड? नहीं नहीं, रेज बचा के रखी है। ओ भाई व्हाट अ कमबैक, व्हाट अ कमबैक बाय दिनेश किंग ओवर देयर, दैट वाज अ क्रूशियल कमबैक। तो जिन लोगों ने भी स्ट्रीम लेट से ज्वाइन करी है, मैं बता दूं ये FT5 चल रहा है, दिनेश 619 अगेंस्ट शाहिद मलिक AKA Nightwing गुड नाइट, जो भी उनका नाम है उधर, और स्कोर है 1-1। और ये तीसरा ही मैच चल रहा है, ये FT5 है। ओके, और अब की बार मिड लॉन्चर फॉर द मिक्सअप, द मिड लॉन्चर इज आई थिंक -13। बहुत ही बढ़िया ब्लॉक, परफेक्ट निकाला है वो राउंड, डैम द कॉन्फिडेंस। अरे मोकोजिन क्या हाल है, हाउ यू डूइंग, FT5 खेलोगे क्या? ओके, काउंटर हिट फिश करने की कोशिश। दिनेश भाई इस मैच में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, एक राउंड पीछे चल रहे हैं, अदरवाइज ये स्कोर पूरा नेक टू नेक है, 1-1 हो गया है स्कोर इस FT5 का। और यहाँ पे हीट खत्म होकर दी है क्लॉडियो की, पर उसके पास स्टार बस्ट है। और स्टार बस में हम जानते ही हैं कि बहुत कुछ किया जा सकता है क्लॉडियो के साथ। क्या रिजार्ट मारेंगे? नहीं, मिक्सअप के लिए जाएंगे। थोड़ा सा सबर करते तो क्या पता, लेकिन सबर नहीं है क्लॉडियो प्लेयर्स के पास। और यहाँ पर स्कोर हो गया है 2-1 इन द फेवर ऑफ नाइट विंग AKA शाहिद मलिक। पोल्स की स्थिति में बता दूं तो इस पोल्स में अभी भी 75% लोग ये मानते हैं कि दिनेश किंग ये FT5 जीतेंगे, ऑल दो वो 2-1 से पीछे चल रहे हैं। दूसरी हिट खाते हुए और यहाँ पे स्टार बस खत्म कर दिया, तो हीट खत्म कर दिया, यहाँ पे पूरा हीट बार बचा है, लेकिन वो हीट बार घर लेके जाएंगे गुड नाइट इस राउंड में। आई थिंक वो पनिशेबल नहीं, बढ़िया ब्लॉक पनिश प्लस फ्रेम्स UCF 1 आई थिंक। और यहाँ पे बहुत सारा डैमेज कर दिया, यहाँ पे हीट में भी है स्टीव, एनीथिंग कैन हैपन। ओ भाई, और ओ थ्रो छुड़ा लिया उधर, और ही बस खत्म हुआ, और यहाँ पे मिड आ गया, राउंड काउंट फिर से बराबर कर लिया। शाहिद भाई के स्टीव को देख के लग नहीं रहा है स्टीव नर्फ है। और यहाँ पे मोकोजिन का एडवाइजरी आया है कि हीट जल्दी यूज मत करो। क्या ये एडवाइजरी दिनेश किंग के लिए है या फिर शाहिद भाई के लिए है, ये बताओ। डक किया था पर लॉन्च करने में थोड़ा सा लेट हो गए, और यहाँ पे ओ भाई लॉन्चर मिलते हुए बढ़िया जगल जैब मार को दिया है, यहाँ पे रेज में है क्लॉडियो, और अच्छी जगह मारेंगे तो राउंड मिल जाएगा। रेज आर्ट मारनी चाहिए, दिनेश भाई रेज आर्ट मारेंगे, आई थिंक थोड़ा सा हेल्थ बच जाएगा। भाई इतना नेक टू नेक चल रहा है मैच में, क्या बताऊं। डैम व्हाट अ राउंड बाय दिनेश किंग 619, रिमेंबर द नेम। और अगर पोल्स की बात करें तो अभी भी 67%, थोड़ा सा कमी आई है, 67% पीपल बिलीव दैट दिनेश 619 इज गोइंग टू विन दिस FT5, और वहीं केवल 33% लोगों को भरोसा है कि शायद भाई ये FT5 निकाल पाएंगे। पर जिस तरह से कोने में परफेक्ट निकाला है, मुझे लगता है कि ये पोल्स बहुत ही जल्दी बदल जाएंगे। और यहाँ पे अरे भाई शुरुआत में ही लीड बना ली है दिनेश किंग ने, और अभी जी हाँ हीट भी यूज़ की है, हीट मीटर में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ब्लॉक, कमिट करना पड़ता है उस ब्लॉक के लिए, सेफ मिड वहाँ पे, और यहाँ पे ये लॉन्चर हाई क्रश कर देता है। डैम हीट खत्म हो गई है यहाँ पे दिनेश भाई की, पर स्टार बस्ट,
और यहाँ पे हिट यूज करनी चाहिए, लेकिन नहीं, 2-all हो गया स्कोर. व्हाट अ क्लोज कॉन्टेस्ट इज गोइंग ऑन बिटवीन दीज गाइज. मुकुजिन, अच्छा ओके, तो मुकुजिन ने एडवाइस किया है कि दिनेश भाई हीट जल्दी मत यूज करो. तो गाइज स्कोर वो चला है 2-all इस FT5 का, और मैच चल रहा है नाइट विंग एके शाहिद मलिक का मैच चल रहा है दिनेश किंग के साथ. अभी तक एकदम जो है नेक टू नेक फाइट चल रही है यहाँ पे, और इन लोग की हिस्ट्री यही है कि पिछली बार जो FT5 हुआ था वो दिनेश भाई जीत गए थे, पर वहाँ पे साइको किलर एके शाहिद भाई ने जो है रायना खेली थी, स्टीव नहीं खेला था. और भाई जहाँ तक मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ वहाँ पर एक राउंड निकल गया डैम, और दूर से हॉक की घुमाई, इतनी दूर से स्टीव के लिए पनिश करना थोड़ा सा मुश्किल है. और फिर से बैक वन कनेक्ट हुआ है, वॉल तक नहीं ले जा पाएंगे, बहुत ही वियर्ड एंगल में मिला था. और यहाँ पे रनिंग टू कनेक्ट किया, आई थिंक वो रनिंग वन है कि टू है. बढ़िया ब्लॉक भाई, क्लच ब्लॉक वहाँ पे. लो पैरी करते तो ज़्यादा एडवांटेज में रहते, बट एनी वेज यहाँ पे बड़ा लॉन्चर निकालने की कोशिश. हीट जरा सी बची है, हीट ख़त्म. अब क्लॉडियो के पास लेते कि स्टार बस्ट है और रेज है. ओ भाई साहब, रेज आउट मारेंगे कि रेज बढ़ा के रखेंगे. डैम, क्या क्या मिड. अरे नहीं, ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे वक्त जज्बात और हालात बदल गए हैं. अरे प्रो गेमिंग इंडिया वेलकम टू द स्ट्रीम, क्या ही बटन मैशिंग गेम बनाया है. मर जा हरादा. और डैम, और यहाँ पे हरादा गिव नो फक्स. और यहाँ पे लग रहा है कि दिनेश भाई जो है लीड बना लेंगे 3-2 की, देखने वाली बात होगी. पर शाहिद भाई को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बहुत भारी पड़ सकता है. बट एनीवेज यहाँ पे लाल में है दिनेश किंग, हीट मीटर ख़त्म ही होने वाला है. जी हाँ, ख़त्म हो गया है. ओ ओ बढ़िया पनिश. और रिजार्ट, देखते हैं क्या कनेक्ट होगा. डैम, रिजार्ट कनेक्ट हो गई. व्हाट अ प्रेजेंस ऑफ माइंड बाय दिनेश किंग. 619, द स्कोर इज नाउ 3-2 in the favor of Dinesh 619. What a close contest is going on. Damn, aur polls pe ek bar jaiza le lete hain, to abhi bhi 67% people believe that Dinesh King is going to win this FT5. Wahi keval 33% log believe kar rahe hain, abhi bhi believe kar rahe hain ki Nightwing FT5 jeetenge. Aur bahut hi badhiya whip punishment, zabardast launch, kahi wall pe leke jayenge. Nahi, jo tak beech mein chhoti si juggle drop hui, counter hit mein move connect hua. Mid, star bust, और बहुत बहुत बड़ा बिग पनिशमेंट, ज़बरदस्त बिग पनिशमेंट भाई. ये जो मूव है ना, बड़ा सा लॉन्चर, ये पनिश करना इतना आसान नहीं है. प्लस फ्रेम्स और बढ़िया थ्रो ब्रेक. ओके, मिल गया फ्लोट कॉम्बो स्क्रू, नहीं मिस इनपुट्स. बढ़िया पनिश हॉप किक पे, और दोनों ही रेज में है भाई साहब. रेज में स्टीव का हेल्थ देखो कितना सारा था, बराबर हो गया है. रेज आर्ट कनेक्ट होगी. जी हाँ, इतनी दूर से इतनी बार आप 1-1-1-1-1 चलाओगे, ऐसे कैसे काम चलेगा. ये क्लॉडियो को न्यू लॉन्चर सेफ नहीं है, पर क्या है कि थोड़ा पुशबैक देता है, सारे करेक्टर पनिश नहीं कर पाएंगे. आई थिंक -12 है. जितना फास्ट मैश करोगे जल्दी जीत जाओगे. अरे ऐसा नहीं है प्रोटागनिस्ट. और यहाँ पे प्रो गेमिंग इंडिया बोल रहे हैं डिफेंसिव खेलो तो मरोगे, बस डिफेंसिव नॉट रिक्वायर्ड. बात तो सही है, इन दोनों के ही प्ले स्टाइल को देख के ऐसा ही कुछ लग रहा है. वॉल में फंसा लेता है जब स्टीव तो समस्या हो जाती है, पर क्लॉडियो के पास निकलने के बहुत सारे तरीके हैं. हीट बस्ट है, हीट स्मैश है, फिर स्टार डस्ट भी दिया है. इतनी सारी चीज़ें क्यों दे दी हैं भाई. देखो अब जैसे कि हीट मीटर ख़त्म हो गया ना, पर स्टार बस्ट है, ठीक है. स्टार बस्ट कम बैक करवाता है स्टीव को, क्लॉडियो को. और यहाँ पे फिर से बालकनी तोड़ी जाएगी. वह सस्ती क्वालिटी की बालकनी है भाई, 17 सेकंड बाकी है और ये ग्राउंड से उठा लेता है भाई. अगर आप उठने में कोई भी हरकत पटकने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ये जो लॉन्चर है ना आपको छोड़ता नहीं है. और यहाँ पे फिर से एडवांटेज में दिनेश किंग 619, और यहाँ पे लॉन्चर का सहारा लिया है. अगर रैंक में देखें तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है. यहाँ पे गुड नाइट बहुत ही ऊपर रैंक में विराजमान है. डैम, पर उनको कहीं ना कहीं क्लॉडियो के सामने जो है सबको फेस करने में थोड़ी समस्याएं आ रही हैं. दूसरी हिट, और अब की बार व्हाट्स फॉर द मिक्सअप. बढ़िया ब्रेक उधर,
विफ पनिशिंग टूल्स कंपैरेटिवली कम है स्टीव के पास. अरे भाई व्हाट अ मिक्स अप, व्हाट अ मिक्स अप. 4-2 इन द फेवर ऑफ दिनेश किंग. और पोल्स अभी भी जो है दिनेश किंग के फेवर में, क्या ही गजब फॉर्म में चल रहे हैं. मुझे भी खेलना है रेजार्ट है क्लोडियो की मस्त. ओके तो अगला एफटी शायद विशाल और दिनेश किंग 619 में कराएंगे. क्या कहती है पब्लिक, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट 65? वैसे क्या, या फिर स्टीव इमिटो से शायद मलिक जो है कम बैक करेंगे. वैसे इसकी उम्मीद बहुत कम लग रही है, जो मोमेंटम है यहाँ पे दिनेश 619 के पास है. तो शाहिद भाई को तो है मतलब राउंड बाय राउंड खेलना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंटली खेलना चाहिए. पर उनका जो गेम प्लान है वो काफ़ी अटैकिंग है, पर यहाँ पे क्लॉडियो ही क्लॉडियो चल रहा है. डैम दैट. ओके ओके अब ये वॉल बाउंस नहीं है, इससे लिमिटेड डैमेज मिलेगा, पर लिमिटेड डैमेज भी बहुत ज़्यादा है भाई. और यहाँ पे क्या जबरदस्त पैरी की रेंज में है. और भाई साहब द कमिटमेंट बाय दिनेश किंग 619 इज जस्ट ऑसम, फैबुलस, फैंटाबुलस आई वुड से. बैकवन यूज करते हुए यहाँ पे डक लॉन्च करने की कोशिश करी, पर सेकंड हिट आ जाती है स्टीव के जैब्स को. डक लॉन्च करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, विंडो कम रहती है आपके पास. और यहाँ पे बॉल में फंसा लिया. व्हाट्स फॉर द मिक्सअप. जी हाँ ये तो आना ही है, क्योंकि हीट यूज करनी है तो ये सब आएगा ही, कुछ भी मिटा सकता है. ओ भाई साहब काउंटर हिट, कम बैक टाइम फॉर स्टीव. मीटर है, मीटर का इस्तेमाल करने कर लेंगे तो बहुत ज़रूरी रहेगा. अरे नहीं यहाँ पे मैच पॉइंट पे पहुँच गए हैं दिनेश किंग 619. ओके प्रोटैगनिस्ट खेलोगे तो मुझे इस टीम पे जो है पिंक करो, तो फिर तुम्हारा 55 पहले कराते हैं, उसके बाद विशाल का कराते हैं. एनीवेज विशाल हाउ यू डूइंग, थोड़ा वेट तो कर ही लोगे आई थिंक इस 55 के लिए. यहाँ पे इतना आसान नहीं लग रहा है यहाँ पे शाहिद भाई के लिए, बहुत सारा चिप डैमेज. व्हाट फॉर द मिक्सअप. ओ भाई परफेक्ट, ऐसी सिचुएशन में परफेक्ट राउंड निकालना अपने आप में ही काबिले तारीफ है. देखते हैं कितनी दूर, कितना टाइम लगेगा यहाँ से दिनेश किंग को ये लाइक FT5 निकालने में, और निकाल भी पाएंगे कि नहीं अगर इसी फॉर्म में इसी तरह कम बैक करते रहे तो. बढ़िया ब्लॉक उधर, बढ़िया पनिशमेंट, पर अनफॉर्चुनेटली स्टीव कैनॉट लॉन्च इट. तो ये एक समय की बड़ी विडंबना है. यहाँ पे काउंटर हीट मिला है, यहाँ पे हीट अगर यूज करेंगे तो क्या मौत भी हो सकती है. ये देखने वाली बात होगी. लेकिन फालतू जगह मारते हुए यहाँ पे रेज में है, और यहाँ पे KO नहीं हुआ, हो सकता है हो गया. और ये FT5 चली गई है दिनेश 619 के फेवर में. जी जीज़.